हे गाइस गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे नाम है जिसका एम्सक्यूज ऑन द ओलंपिक गेम्स दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पर ठीक है इसकी पी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और क्लास खत्म होने के बाद भी कमेंट बॉक्स में तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं इट्स नॉट अबाउट द आर आर बी पी एंड क्लैरिकल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल मीन्स ये सारे एग्जाम्स के लिए जो भी भी हो नाबार्ड हो, NIC, हर एग्जाम में और मैं आपको दावे से कह दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे आज ये देख लीजिएगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उसके पहले हम आपको बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे बट हम सीधे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं क्वेश्चन करते हैं पहले हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा हमारा पहला क्वेश्चन आपसे कि वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है पहला क्वेश्चन हमारा आंसर आपको देना है व्हाट इज द राइट आंसर और इसका आंसर है स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसानी में है स्विट्जरलैंड में है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल एग्जाम्स में थोड़े स्टैटिक क्वेश्चन बने हिस्ट्री से क्वेश्चन बने तो एक क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक तो निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में जाना जाता है पांच ऑप्शन हमारे पास है आंसर हमारा क्या होगा क्या होगा आंसर हमारा होगा पियरे डी कुब, कुबर्टिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर थोड़ा सा हमने पिछले साल देखा था हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पूछे दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है और कोई बात इसमें नहीं है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ठीक है दो यहाँ पे

आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा इस बार बत्तीसवा एडिशन था ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिस वाला तैतीसवां एडिशन है और आपका लॉस एंजल्स वाला थर्टी फोर्थ एडिशन है और ब्रिस्बेन वाला थर्टी फिफ्थ एडिशन है तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं ठीक है ठेके? आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए वॉट इज द टोक्यो ओलंपिक दो हजार बीस मैस्कोट मेस्कॉट आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद रखना है तो मैस्कॉट क्या था इस बार का ये आपसे पूछा गया ओलंपिक का और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा मिराई टोवा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इन हाउ मेनी इवेंट मेडल्स आर अवारेड इन द टोक्यो ओलंपिक्स दो तो इस बार के टोक्यो ओलंपिक में कितनी स्पर्धाओं में मेडल कितनी स्पर्धाएं हुई आपसे पूछा गया तो कहीं कहीं पर तीन सौ तैंतीस शो कर रहा है लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ओलंपिक साइट पर जाओगे तो वहां पर मैं तीन सौ उनतालीस ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर मैं फिर बोल रहा हूं कई जगहों पर तीन सौ तैतीस मैंशन भी है पढ़ाया भी है लेकिन तीन सौ उनतालीस शो हो रहा है ओलंपिक के साइट पर तो हम ये मानेंगे ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ठीक है दो यहां पर लिखा भी है जब मैंने कंफर्म किया तो उसमें तीन सौ उनतालीस था शो कर रहा था इसलिए मैंने भी आपको तीन सौ उन्तालीस दिया ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द ओपनिंग डेट ऑफ द ट्वेंटी वन टोक्यो ओलंपिक गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी इस बार ओपनिंग ओपनिंग डे कौन सा था यह आपसे पूछा गया तो इसका आंसर होगा जुलाई ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जुलाई ट्वेंटी थ्री हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं विच स्पोर्ट्स आर रिटर्निंग टू द टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में कौन से दो गेम रिटर्न हुए दो गेम रिटर्न हुए हैं चार गेम नए ऐड हुए हैं और दो गेम रिटर्न हुए थे तो दो गेम कौन कौन से थे तो एक था आपका बेसबॉल ऑप्शन नंबर डी और एक था आपका सॉफ्ट बॉल सॉफ्ट दो गेम जो है वो वापस रिटर्न हुए हैं तो बेसबॉल एंड सॉफ्ट बॉल रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन थर्टीन ईयर्स तेरह सालों के बाद इनको रिटर्न किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक चार्टर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स शेल नॉट एक्सीड तो ओलंपिक के नियम के हिसाब से ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता इस अवधि से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो ओलंपिक गेम कितने दिन चलता है मैक्सिमम आपसे पूछा गया और इसका आंसर होगा सोलह डेज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर यह भी याद कर लीजिएगा यह भी याद कर लीजिएगा सोलह दिन होता है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फोर न्यू गेम एडेड इन द टोक्यो ओलंपिक फाउंड द वन तो चार नए गेम एड हुए ओलंपिक में ये चार गेम कौन कौन से ये आपसे पूछा गया ये चार गेम कौन कौन से थे ये कैसा ऑप्शन है जी इसमें चलो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार नहीं फोर four... अच्छा फाउंड दर्डवन आपको ऑड वन चूज करना है ठीक है इसमें कौन सा गलत है तो इसका आंसर होगा सॉफ्टबॉल क्योंकि ये नया गेम नहीं है ये रिटर्न हुआ है जरूर ये जरूर ये रिटर्न हुआ है लेकिन ये नया गेम नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा सॉफ्टबॉल ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर कराटे ऐड हुआ स्केट बोर्डिंग एड हुआ है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एड हुआ है सर्फिंग एड हुआ है चार गेम न्यू एड हुए हैं और सॉफ्टबॉल रिटर्न हुआ यह नया गेम नहीं है ठीक है द स्लोगन ऑफ द ट्वेंटी समर ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी इज वॉट इज द स्लोगन ऑफ द ट्वेंटी समर ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी जब चौट टॉर्च रिले का समापन हुआ उसकी थीम आपसे पूछी गई है क्या था तो ये था फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर टूगेदर इस पर बड़ा बवाल हुआ था <coughs> मैं आपको बताऊं ये न्यूज में काफी था टोक्यो ओलंपिक टोक्यो कमेटी ने अपना दिया था फास्टर हाइयर स्ट्रांगर और बाद में टूगेदर तो ऐड कर दिया था किसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तो इस पर तो स्लोगन ऑफ द ट्वेंटी समर ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी जिसमें टॉर्च रिले भी समाप्त हुई थी उसका स्लोगन ये था फास्टर थार स्ट्रॉन्गेट टुगेदर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोकियो ट्वेंटी ट्वेंटी किसने पहला मेडल जीता यह आपसे पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा यंग क्वीन

इन्होंने इन्होंने देखो सात मेडल जीते चार गोल्ड और तीन ब्रॉन्ज और सबसे ज्यादा मेडल इन्होंने जीता चार गोल्ड और तीन ब्रॉन्ज याद कर स्विमर आई है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेयर वन द हाइएस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड मेडल अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते इसके पहले क्या पूछा था सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते ये आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सेलेब ऑप्शन नंबर द राइट आंसर तो कैलेब कैलेब डिजल की बात करें स्टार स्विमर ऑफ द यूएसए इन्होंने पांच गोल्ड मेडल जीते सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इन्होंने जीते तो ये स्विमर यूएसए की तो ऑप्शन नंबर इज द आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बर्मुडा फिलीपींस और वो कौन सा देश था जिन देशों ने पहली बार ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीता कोई गोल्ड मेडल जीता बर्मुडा ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता फिलीपींस ने जीता और वो कौन सा देश था जिसने की पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है कतार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तो बर्मुडा ने फिलीपींस ने और कतर ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता इन देशों ने ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बुर्किना फासो और एक कौन सा देश था एंड तुर्कमेनिस्तान अपना पहली बार मेडल जीता इन देशों ने इन देशों ने जीता ठीक है अच्छा हाँ दुनिया का सबसे छोटा देश था जिन्होंने इस बार जिसने इस बार आ, कोई मेडल जीता है तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है तो यह भी देख लीजिएगा ठीक है

सीए भवानी देवी इज द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइड नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द टू इंडियन एथलीट हुआ द इंडियन ओपनिंग इंडियन

ंगनिया ने इस बार्ज मेडल भारत के लिखता थार नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द साइज ऑफ द इंडियन कॉन्टीजेंट एट टोकियो ओलंपिक स्पोर्ट्स ट्वेंटी टोटल साइज आपसे पूछा गया देखो यहां पर यहां पर वन टू सेवन ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पर तो टोटल साइज आपसे पूछा गया तो वो टू टू एट का था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है जिसमें से 127 पार्टिसिपेंट थे तो अगर पार्टिसिपेंट पूछेगा तो 127 आप बोलेंगे और टोटल साइज पूछेगा तो 288 आप बोलेंगे देख लेना और फ्रॉम 18 स्पोर्ट्स भारत ने टोटल 18 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था ये भी याद रखेगा तो इंडिया ने 18 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया दोस्तों टू टोटल हमारा साइज था मतलब प्लेयर का कोचेस का और जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं उन लोग का और पार्टिसिपेंट वन थे तो ये भी याद रखेगा ये पॉइंट हमारे पास है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का

हाँ, मतलब वही है आगे नाम है द गोल्ड मेडल इन द वुमेन फोर्टी के जी तो मीराबाई चानू ने भारत के लिए उनचास के जी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता तो इसी सेम इवेंट में गोल्ड मेडल चाइना की नाम है हो जी ही नहीं जीता ऑप्शन नंबर बीज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मणिपुर की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की बात करें इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता इन्होंने अपना सिल्वर मेडल जीता और किस कैटेगरी में तो अभी हमने पढ़ा

है ना तो सिल्वर मेडल नहीं दिया गया था ये आप ध्यान से देखना और इसका आंसर क्या होगा हाई जंप. तो हाई जंप जंप तो में इस बार कोई भी सिल्वर मेडल नहीं दिया गया मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में इनका नाम नहीं पूछा जाएगा ठीक लेकिन हाँ आपसे इवेंट पूछा जा सकता है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जरा मुझे ईमानदारी से बताओ तुम लोगों ने वीडियो वीडियो देख लिए होंगे तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जगह पूरा रिसर्च करके भैया बनाया बहुत टाइम लगा इसे बनाने में हमने कहा देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे है ना तो हम देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त ही आए हैं आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने आपको पे हम रहे हैं ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते, बात करते हैं ओलंपिक मेडल्स सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता यह आपसे पूछा गया इस बार में तो ये ऑप्शन नंबर तो टोटल छे एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था यूएसए की तरफ से जिसमें 39 गोल्ड मेडल थे 41 सिल्वर मेडल था एंड 33 ब्रोंज मेडल था मतलब टोटल 113 मेडल थे इन डिफरेंट 28 स्पोर्ट्स तो 28 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था यूएसए ने 626 एथलीट थे इसके पूरे और 113 मेडल इसमें जीते इसमें 39 इसने गोल्ड मेडल जीता तो एक पॉइंट आपके पास ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ठीक है भले इन्होंने मेडल जीता नहीं तो यह कौन थी पहली भारतीय महिला गोल्फर और इनका नाम था अदिति अशोक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हालांकि इनका प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा शायद चौथे नंबर पर थी हैं, ये मिल नहीं पाया इनको तो अदिति अशोक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आगे बढ़तेगा इस बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की अदिति अशोक के बारे में हाँ फोर्थ नंबर पर थी ठीक है अशोक वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक फ्रॉम विद स्टेट ये किस स्टेट से बिलोंग करती है ये आपसे पूछा गया ये बिलोंग करती हैं ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा के रवि कुमार दाहिया क्रिएटेड हिस्ट्री टू विन सिल्वर मेडल

तो इंडियन रेस्लर रवि कुमार दहिया ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 57 केजी के जी फ्री स्टाइल रेस्लिंग कैटेगरी में मालूम है हमको हु वन द गोल्ड मेडल अब गोल्ड मेडल किसने जीता मतलब इनको किसने हराया रवि कुमार दहिया किसने हराया तो ये कौन है ये है आपके जऊर रिजेवनोइ उगेव ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो एक पॉइंट आपके सामने ये हो जाएगा तो रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता और वहीं रशिया के तो ताम, टू टाइम के वर्ल्ड चैंपियन जवर उगेव की बात करें इन्होंने इनको हराया था तो ये रशिया के बिलोंग करते हैं ये भी देख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हैं गाइस बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की द इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन द हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक 2020 द टीम अचीव दिस सक्सेस बाय बीटिंग विस्टिंग तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य मेडल जीता इस टीम ने किस टीम को हराकर यह मेडल जीता यह आपसे पूछा गया और हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी महिला टीम इंग्लैंड से हारी थी और इंडियन टीम ने जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्गोहेन की बात करें हैज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल इन दुमटर की बात करें इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के वेल्टर वेट में जिसकी रेंज थे 64, 2, 10, 9, वर्ग में कांस्य पदक जीता यह किस राज्य से बिलोंग करती है यह आपसे पूछा गया यह बॉक्सर बेसिकली यह बिलोंग करती असम से ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर नेक्स्ट दोस्तों बॉक्सर एश्योर्ड अ मेडल फॉर हरसेल्फ बाई डिफीटिंग चाइनीस नहीं क्या नाम है चेन नियन चीन एक्टोकियो समर ओलंपिक देखो अब क्वेश्चन वही केवल घुमा दिया है इसका आंसर भी क्या है लोरिना बर्गोह है ठीक है तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्होंने किसको हराया था तो इन्होंने चीनी ताइपे की चेन नियन चीन को हराया था तो एक ये इंफॉर्मेशन अलग से आपको हम दे रहे हैं ठीक है एक अलग से इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पीवी सिंधु बीट विच प्लेयर टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट है टोकियो ओलंपिक तो पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन सिंगल बैडमिंटन में ऑप्शन तो नंबर की ही है चाइना से ही बिलोंग करती है ठीक है तो यह देख लीजिएगा आगे बढ़ेगा इस बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की पीवी सिंधु वन द्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्सिंगल बैडमिंटन यह किस स्टेट से बिलोंग करती है यह आपसे पूछा गया ये किस स्टेट से बिलोंग करती है ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना ऑप्शन नंबर ही है, हैदराबाद की रहने वाली है वैसे। चलो हु won the gold medal in the women's single badminton event at Tokyo Olympic in the same event जिसमें पी वी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला तो गोल्ड मेडल किसने था यह आपसे पूछा गया आंसर हमारा क्या होगा हमारा हो जाएगा right तो चेन ऑप्शन की है सॉरी इन्होंने, इन्होंने मतलब, ताई, ताई तो चाइना की चेन यू फेई की बात करें इन्होंने ताई यिंग को हराकर ये अवार्ड जीता गोल्ड मेडल तो ये आपके सामने है तो आपको ये नाम पर ध्यान देना है बस इस नाम पर और, और पॉइंट पर ध्यान नहीं देना आपको ठीक है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों सिंधु वन हर सेकेंड ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक तो पी वी सिंधु ने भी क्या इस बार दो मेडल मतलब पी वी सिंधु ने भी दो मेडल जीता एक बार लास्ट टाइम एक बार अभी तो पी वी सिंधु के अलावा और कौन सा एथलीट है जिसने अपने ग्रुप में दो मेडल जीते हैं ओलंपिक और इनका नाम है सुशील कुमार ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर तो सुशील कुमार जो है इन्होंने भी दो मेडल जीते हैं दोनों सिल्वर मेडल जीते हैं तो ये इन बोथ ओलंपिक ओलंपिक्ड मेडल इन द वुमेन्स टू हंड्रेड मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग एट टोक्यो ओलंपिक अब यहां पे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो वो भी क्वेश्चन लिया हुआ यहां पे तो टोक्यो टोकियो ओलंपिक में महिलाओं के 200 मीटर ठीक है तो यहां पे क्या पूछा गया था हाँ टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 200 मीटर बटरफ्लाई तलाकी में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक रिकॉर्ड किसने तोड़ा था तो ये थी झांग यूफेई चाइना की

ये भी न्यूली एड हुआ है ये कौन जीता तो बेस बॉल में भी जापान ने जीता यूएसए को राके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं विच इंडियन वुमेन क्रिएटेड हिस्ट्री एट टोक्यो ओलंपिक बाय गेटिंग एन एंट्री टू द फाइनल ऑफ डिस्कस थ्रू इवेंट तो किस भारतीय महिला ने डिस्कस थ्रू इवेंट के फाइनल प्रवेश करके एक इतिहास रचा हालांकि छठवें नंबर पे नहीं जीत नहीं पाई इनका नाम क्या है इनका नाम कमलप्रीत कौर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कमलप्रीत कौर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता इन मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने कितने लंबाई का थ्रो फेंका था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जुड़े यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों gold medal in the men's 10 मीटर air pistol event in shooting at Tokyo Olympic by breaking the Olympic record? मैं फिर से बोल रहा हूं रिकॉर्ड वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए तो मेंस मीटर एयर पिस्टल में किसने जीता गोल्ड मेडल? फारूकी ऑफ ईरान देखे ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक किया था इस बार और गोल्ड मेडल जीता टेन मीटर एयर एयर पिस्टल में पिस्टल में ठीक है एक पॉइंट आपके पास आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वॉन द गोल्ड मेडल इन द टेन मीटर एयर राइफल इसके पहले पिस्टल की बात की थी हमने अब राइफल की बात कर रहे हैं इन शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक बाई ब्रेकिंग द ओलंपिक रिकॉर्ड फिर से एक बार रिकॉर्ड वाली बात हम कर रहे हैं और यह जीता तो विल शेनर ऑफ द यूएसए वॉन द मेन्स टेन मीटर एयर राइफल और इसने गोल्ड मेडल जीता रिकॉर्ड ब्रेक किया था तो ये भी पॉइंट हमारे पास है। आगे बढ़ते बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इन स्केट बोर्डिंग फर्स्ट ओलंपिक इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक क्योंकि स्केट बोर्डिंग अभी शामिल हुआ है हु द गोल्ड मेडल इन द वुमेन स्ट्रीट इवेंट महिलाओं में किसने जीता या आपसे पूछा गया तो इनका नाम क्या है इनका नाम आप लोग जानते हैं मोमिजी निशिया मैंने रात वाली क्लास में क्वेश्चन कराया भी हुआ है ये वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर भी हैं तो जापान की मोमिजी निशिया तेरह साल की हैं इन्होंने हिस्ट्री रच दी पहली बार स्केटबोर्डिंग आया ओलंपिक में और जापान के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता ठीक है याद कर लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल स्टैंडिंग तो भारत कौन से रैंक पे था ये आपसे पूछा गया है तो भारत की रैंकिंग थी 48 ऑप्शन right तो पॉइंट हमारे पास ये है। आगे बढ़ते न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एज शीवन दोल्ड मेडल इन दुमन ट्रिपल जंप बाई जंपिंग फिफ्टीन पॉइंट एंड फाइनल जंप इन दोक्यो ओलंपिक

प्लेयर हैज वन द मैं हंड्रेड मीटर गोल्ड टाइटल एट द टोक्यो ओलंपिक सौ मीटर की रेस उसे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है और यह जीता है किसने मार्शल जेकब्स ने और मार्शल जेकब पहले इटालियन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये इवेंट जीता है ये इटालियन खिलाड़ी है ठीक है इटली गए हैं याद रखिएगा इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन एलिन थॉम्सन हेरा हेज वॉन द हंड्रेड मीटर गोल्ड टाइटल इन द वुमेन एथलेटिक्स टोक्यो ओलंपिक शीज फ्रॉम विच कंट्री

और इसका आंसर होगा लुसियानो वर्निक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कोशिश पूरी की कि है कि आपको सारे पॉइंट बता दें चलिए इंडिया थर्ड ओलंपिक मेडल वन बाय द लोरिना बोर्गिनो इन टोक्यो शी इज वनली विच नंबर ऑफ इंडियन बॉक्सर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक तो ये कौन से नंबर की बॉक्सर हैं जो इन्होंने मेडल जीता है भारत के लिए तो ये कौन सी मोड बंद है ये थी तीसरी बॉक्सर अभी तक की अभी तक के भारतीय बॉक्सिंग हिस्ट्री में ये तीसरी भारतीय हैं जिन्होंने मेडल जीता एज ए बॉक्सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन हॉकी टीम विन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक दिस इज इंडिया फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन हॉकी सिंस दे वॉन द गोल्ड मेडल इन द विच ओलंपिक इन मॉस्को तो भारत ने 1980 में लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था उसके बाद कोई मेडल नहीं था तो करीब 40 साल के बाद हमें यह मेडल मिला है तो ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रवि कुमार दहिया विन द सिल्वर मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक तो रवि कुमार इज द विच नंबर ऑफ इंडियन रेस्लर टू विन अ मेडल ये कौन से नंबर के रेसलर थे तो ये पांचवे के हैं अभी तक ऑप्शन नंबर बीस राइट आंसर। इनके पहले जाधव, सुशील कुमार, साक्षी मलिक जीत चुकी हैं मेडल और ये अभी वॉट इज द नेम ऑफ द न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कंपीट एट द ओलंपिक टोक्यो गेम्स न्यूजीलैंड की भारत तोलक नाम बताइए जो कि मतलब पहली ट्रांसजेंडर बनी इनका नाम क्या था इनका नाम था लॉरेल हबर्ड ऑप्शन नंबर डी ये वेट लिफ्टर थी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम कब मनाते हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम कब मनाते हैं हम मनाते हैं ट्वेंटी थर्ड जून को ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम ट्वेंटी थर्ड जून को मनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया ऑफिशियल ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है लॉन्च हु हैज हुपोज एंड द सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने क्ष सामनेफॉर्म द ड्यूल रोल ऑफ द सिक्योरिटी एज वेल एज द प्रेस अटैच ऑफ द कंट्री कॉन्टिजेंट एट द टोक्यो गेम्स सिक्योरिटी भी इनके हाथ में थी और प्रेस भी इनका नाम क्या था बीके सिन्हा ऑप्शन नंबर इज द आंसर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों नोबेल पीस फ्रॉम बांग्लादेश मोहम्मद यूनिस बिकम द द ऑफ ओलंपिक दो हजार सोलह से दिया जा रहा है ठीक है ये दूसरी बार दिया गया ही रिसीव द ट्रॉफी ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो गेम्स इट वॉज गिवेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द दोलह रियो गेम्स टू केन्या फॉर्मर ओलंपियन किसको ध्यान से देखिए तो अब एक प्रथा चली है कि मतलब कि ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक लॉरियल का अवार्ड दिया जाता जा है यह प्रथा चली है लास्ट पार्ट लाइम से 2016 से

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रोब इन होम एज द स्पॉन्सर फॉर द इंडियन कॉन्टिंजेंट एट दोकियो गेम्स होगा अडानी ग्रुप ऑप्शन है अडानी ग्रुप भी, भी यहां पर शामिल हो गया था में ठीक है तो ऑप्शन नंबर राइट e आंसर दोस्तों स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च द ऑफिशियल चीयर सॉन्ग फॉर द टोकियो बाउंड इंडियन कॉन्टिंजेंट द सॉन्ग टाइटल हिंदुस्तानी वे

माना पटेल मेड हिस्ट्री एज शी बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक माना पटेल ने इतिहास रचा ये भारत से पहली महिला बनी है फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक बिलोंग करती है तो बिलोंग करती है गुजरात से ऑप्शन नंबर इज द राइडर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन जूरर फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स और इनका नाम है पवन सिंह ऑप्शन नंबर इज द राइडर पवन सिंह हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साजन प्रकाश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स ही इज फ्रॉम स्टेट ये कहां से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं केरला से ऑप्शन नंबर द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम प्लेयर हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन द फर्स्ट एवर स्केट बोर्डिंग कॉम्पिटिशन एट द ओलंपिक गेम्स स्केट बोर्डिंग इनका नाम है यूटो हॉरीगोम ये भी जापान से बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ever विन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक वुमेन्स सर्फ चैंपियन इनका नाम है कैरिसा मोर ऑप्शन नंबर बी कैरिसा मोर ऑस्ट्रेलिया से है ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंट हमने आपको सेवेंटी थ्री क्वेश्चन कराए हैं आ। एमसीक्यू सी क्यू कैसा लगा आपको हमारा सेशन कमेंट्स में हमको बताएं और शाम को छः बजे फिर से हम जुलाई मंथ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं आज ठीक है रात में ग्यारह बजे अन अकेडमी पर हम फरवरी मंथ को फिर से रिपीट करने वाले हैं आज और टेन टेन पर एमसीक्यू क्लास हमारा होता ही है ठीक है थैंक यू सो मच का अपना ख्याल रखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी यहाँ मिल जाएगी ठीक है थैंक यू सो मच